आज हम छत्तीसगढ़ छात्रवृत्ति पोर्टल सीजी स्कॉलरशिप nic.in में विद्यार्थियों का किस तरीके से फॉर्मेट ए भरकर उनका ऑनलाइन पंजीयन करना है और स्कॉलरशिप जो पोर्टल है छात्रवृत्ति पोर्टल है उसके जो महत्वपूर्ण जो भी पॉइंट्स है या सेक्शन है उसके बारे में आज के वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम यूज़र लॉगिन के पेज पे आ जाते हैं जो आपको दिख रहा है और यहाँ पे यूज़र आईडी और जो पासवर्ड है यहाँ पे हम डालकर लॉगिन कर लेंगे। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का दिख रहा है, यहाँ पे जाके आप अपना फॉरगेट पासवर्ड करके नया छात्रवृत्ति का लॉगिन करने के लिए पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लॉगिन कर लेते हैं। और जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से हमारे सामने इंटरफेस या पेज जो है ओपन होता है। होम के बाद पंजीयन 2020-21, पंजीयन 2019-20, पंजीयन 2018-19 और रिपोर्ट जो सत्र 2017-18 से लेकर वर्तमान सत्र जो पंजीयन करना है 2020-21 तक, संवितरण की जानकारी है, यूजर मैनेजमेंट, हेल्प और लॉग आउट। इस तरीके से सेक्शन यहाँ विभाजित है। तो हम यहाँ पे चलते हैं पंजीयन 2020-21 में। देख पा रहे हैं सबसे पहला है सत्र 2019-20 के विद्यार्थियों का परिणाम संशोधन करें। तो यहाँ पे आप विद्यार्थियों का परिणाम संशोधन कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे हम, यह अभी हाइड है, डिसेबल है, बाद में यह इनेबल हो जाएगा। उसके बाद विद्यार्थी का शाला परिवर्तन करें। तो अगर कोई दूसरे विद्यालय से विद्यार्थी हमारे विद्यालय में आया है तो उनका विद्यार्थी कोड, विद्यार्थी का नाम, जन्म दिनांक या खाता क्रमांक यहाँ से डालकर हम जानकारी देखें पे क्लिक करेंगे और उसे हम अपने विद्यालय में एंट्री कर सकते हैं या उनका शाला परिवर्तन कर सकते हैं। सारांश प्रतिवेदन फॉर्मेट भी अपलोड करें और सारांश प्रतिवेदन फॉर्मेट भी प्रविष्ट करें और पंजीकृत विद्यार्थी का आवेदन फॉर्मेट ए सुधारे निरस्त करें। यह सब जब हम नवीन विद्यार्थी का पंजीयन कर लेंगे, फॉर्मेट ए ऑनलाइन भर लेंगे, उसके बाद की प्रक्रिया है। और ये जो नीचे की दो सेक्शन है वे भी फॉर्मेट ए भरने के बाद की ही प्रक्रिया है, तो उसे हम बाद में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं नवीन विद्यार्थी का पंजीयन फॉर्मेट ए रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है उसके बारे में। तो जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं तो इस तरीके से हमारे सामने पेज ओपन होता है, नवीन विद्यार्थी का पंजीयन फॉर्मेट ए, जो हमने ऑफलाइन हार्ड कॉपी में भरा है उसके अनुसार ही हमें यहाँ भरना है। यहाँ पे देख पा रहे हैं हम यूडाइस कोड, शाला का नाम और वर्तमान कक्षा, विद्यार्थी का जो भी कक्षा है यहाँ से हम चूज कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रवेश क्रमांक यहाँ पे भरेंगे, विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम और जो भी स्टार लगा हुआ दिख रहा है जो भी सेक्शन में उसे हमें भरना अनिवार्य है। उसके बाद है क्या पालक अस्वच्छ धंधा व्यवसायी है एवं क्या उसके पास वर्तमान सत्र का व्यवसाय प्रमाण पत्र है। अगर अस्वच्छ धंधा व्यवसायी है तो यहाँ पे यस नो पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आधार नंबर विद्यार्थी का भरना है यहाँ पे और आधार कार्ड में दर्ज विद्यार्थी का नाम अंग्रेजी में यहाँ पे हम भर सकते हैं। जैसे ही आधार नंबर यहाँ पे डालते हैं यह इनेबल हो जाता है और यहाँ पे भर लेंगे। लिंक का चयन करना है यहाँ पे, जाति वर्ग का चयन यहाँ से कर सकते हैं और डेट ऑफ बर्थ विद्यार्थी का जो भी है यहाँ से हम चूज कर सकते हैं, जो भी डेट में है, मंथ में है, यहाँ से चूज करके हम भर लेंगे। मोबाइल नंबर यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद बैंक का नाम, जिस भी बैंक में विद्यार्थी का खाता खुला है यहाँ से चूज कर सकते हैं। खाता जो है विद्यार्थी का ही होना चाहिए, अगर किसी कारणवश विद्यार्थी का खाता नहीं है तो उनके माता या पिता का ही खाता हम भर सकते हैं, किसी अन्य का खाता यहाँ पे नहीं भर पाएंगे। साथ ही साथ शाखा का नाम यहाँ पे हम भरेंगे और शाखा का नाम जैसे ही भरते हैं आईएफएससी कोड ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद क्या बैंक खाता विद्यार्थी के नाम पे है, अगर है तो यश, अगर नहीं है तो नो पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। और यह सभी भरने के बाद
जो सेक्शन हमें दिख रहा है। पीले कलर में सेव का, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेव पे क्लिक कर लेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद एक कंफर्मेशन मैसेज आता है कि क्या आप विद्यार्थी का डेटा सुरक्षित करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम यस पे क्लिक कर लेंगे। तो यस पे जैसे ही क्लिक करते हैं विद्यार्थी का पंजीयन सफलतापूर्वक हो जाता है और उसके पश्चात हम ओके पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद है अगला जो हमारा काम का चीज़ है वह है रिपोर्ट। तो यहाँ पे जैसे ही हम रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं 17/2021 पे, तो जितने भी विद्यार्थी हमने यहाँ पंजीकृत किया है उसकी सूची यहाँ से देख सकते हैं, और विद्यार्थी की जानकारी देखें यहाँ से, और निरस्त विद्यार्थियों की सूची यहाँ पे देख सकते हैं, और पंजीकृत IFSC कोड देखें यहाँ से, और छात्रवृत्ति नॉर्म्स के अनुसार अपात्र विद्यार्थियों की सूची इस सेक्शन में जाकर हम देख सकते हैं। जैसे यहाँ 2020-21 में पंजीकृत विद्यार्थियों की सूची जैसे भी यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो इस तरीके से हमारे सामने एक पेज ओपन होता है, और यहाँ पे हम जाति वर्ग का चयन कर सकते हैं, ऑल है यहाँ पे, तो कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे चयन करके देख सकते हैं, और ऑल है यहाँ पे कक्षा का चयन, यहाँ पे हम कक्षावार भी जैसे ही हम सर्च पे क्लिक करेंगे वह कक्षावार और जातिवार यहाँ से हम उनका पूरा विवरण देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर नया आप पंजीयन कर रहे हैं किसी भी कक्षा का, तो उस कक्षा का आप चयन करिए यहाँ से, और कितने विद्यार्थियों का पंजीयन हुआ है यहाँ पे आप सर्च पे जैसे ही क्लिक करेंगे उनकी जानकारी आप पूरी देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप एक्सपोर्ट एक्सेल यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारा एक्सेल फॉर्मेट में हमारा जो विद्यार्थियों की जानकारी है हमें मिल सकता है, मिल जाएगा, और उसे हम डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। तो ये रिपोर्ट संबंधी जानकारी है, विद्यार्थी की जानकारी यहाँ से हम देख सकते हैं, विद्यार्थी की जानकारी पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो इस तरीके से हम विद्यार्थी का जो कोड है छात्रवृत्ति कोड यहाँ पे डालकर विद्यार्थी का नाम, जन्म दिनांक या खाता जो भी है उनका डालकर यहाँ पे चयन करे पे जिला ब्लॉक सालावार चयन करके हम जान सकते हैं, देख सकते हैं। संवितरण की जानकारी अलग अलग सत्रवार यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम आसानी से छात्रवृत्ति पोर्टल में जाकर विद्यार्थियों का जो है हम पंजीयन वर्तमान में जो चल रहा है फॉर्मेट ए भरकर विद्यार्थियों का पंजीयन कर सकते हैं, और पंजीयन के बाद की जो प्रक्रिया है उसके लिए हम बहुत जल्द वीडियो बनाएंगे। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।